कि मुस्लिम समाज अकेले अपने कंधा पर जिम्मेदारी उठाए हुए बीजेपी के खिलाफ रखता है। क्या आपको लगता है कि ओबीसी और दलित हिंदूबाजी छोड़ के आपके साथ आएंगे? देखिए, मुस्लिम समाज किसी की मुखालिफत का नहीं उठाए हुए है, वो अपने अधिकार और अपने उसके लिए उसका अपना राइट है। बीजेपी के टारगेट संवैधानिक उसके टारगेट पे है, तो अपना अपना बचाव करना सबका अधिकार है। अपने अधिकारों के अपने हुकूक के बचाव के लिए अगर कुछ काम करता है तो उसमें राजनीतिक क्षेत्र में पॉलिटिकल एरिना में बताइए ना कि बताइए कि मुस्लिम समाज जो है वो आज अलग थलग पड़ गया है, क्योंकि दलित हो, ओबीसी हो, हिंदू नाम पर सब हमला करने लगते हैं, तो क्या कोई अलायंस बनता दिख रहा है ग्राउंड पर? बताइए मुझे, क्योंकि मैं अर्बन सेंट्रिक नहीं चीज़ें देखता हूँ, जो रूरल सेंट्रिक है उसके कुछ हालात बदले हैं, मुझे नहीं बनता दिख रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं बन रहा है, जमीन पे भी हो ही रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, गुजरात से लेकर राजस्थान और देश भर में दंगों में। अब ओबीसी और दलित समझने लगा है कि हमको दंगे में शामिल नहीं होना। दंगों में तो देखिए एक वो सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसमें एक परिस्थिति बना के उसका वो किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्या साहब, हथियार तो लेकिन जमीनी जमीनी हमला करने में तो वही आगे रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ग्राउंड पर आप लोग काम कर रहे हैं कि वो हमला ना हो? काम करना ही है, मतलब कमजोर पड़ता जा रहा है, सिर्फ दंगे के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म अधिकारों के लिए सबको। जो अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, जैसे देश में सब लोग जानते हैं कि एक पर एक क्रीमी लेयर है जो पूरे देश के उसको फायदा उठा रही है और दूसरे लोग वंचित हैं, तो जो वंचित हैं उनको इकट्ठा होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार है और वही किया जा रहा है। डीओएम की क्या रणनीति होगी? आप लोग अर्बन सेंट्रिक ही रहेंगे, सिर्फ सेमिनार ऐसे? नहीं, अर्बन सेंट्रिक नहीं रहेंगे, जमीन पे काम करेंगे, जमीन पे काम करेंगे, आपको देखेंगे बहुत जल्दी इसके परिणाम नजर आएंगे। क्या 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 रणनीति है जमीन पर काम करने की? अब रणनीति हम लोग बैठ के बना रहे हैं, वो जो बनाई है देश भर में इसको फैलाना है। चलिए, पहली मीटिंग है, पहली मीटिंग है इनकी, और इनको अप्रिसिएट कीजिए। लगातार बहुजन आंदोलन बढ़ रहा है, मैं इसलिए सवाल कुरेदता हूँ कि लोग क्या डेप्थ में हैं या बस टाइम पास हो रहा है या सिर्फ चेहरा चमकाने की कोशिश है? वर्मा साहब, आप